17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर बाजार बंद है, लेकिन एक दिन पहले 16 अप्रैल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और चीन के मिले जुले आर्थिक आंकड़ों के बीच बेंचमार्क इंडेक्सों में लगातार तीसरे सत्र में गिरावट जारी रही थी। सेंसेक्स 456.10 अंक या 0.62% की गिरावट के साथ 72,943.68 पर और निफ्टी 124.60 अंक या 0.56% की गिरावट के साथ 22,147.90 पर बंद हुआ था। यहां उन 8 शेयरों की सूची दी गई है जिनका लक्ष्य मूल्य पिछले हफ्ते बढ़ाया गया है। जोमैटो, यूबीएस ने जोमैटो का लक्ष्य मूल्य 195 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया और स्टॉक पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी के क्विक कॉमर्स कारोबार की ग्रोथ और मार्जिन क्षमता से कम आंकी गई। यूबीएस विश्लेषकों को यह भी उम्मीद है कि कंपनी का EBITDA मार्जिन 9% तक पहुंच जाएगा, जो आम राय से लगभग दोगुना है। 16 अप्रैल को BSE पर स्टॉक 186.75 रुपए पर बंद हुआ। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, HSBC के विश्लेषकों ने डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज को बाय रेटिंग दी है। कंपनी ने कहा था कि वह ट्रांस होल्डिंग्स की भारत मोबाइल असेंबली इकाई स्मार्टू में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करेगी। इसके बाद ब्रोकरेज ने स्टॉक का लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 8,400 रुपए कर दिया। ब्रोकिंग फर्म को उम्मीद है कि कंपनी अगले 2 सालों में अपना राजस्व 2 गुना से अधिक कर लेगी। स्टॉक 16 अप्रैल को BSE पर 7,560.70 रुपए पर बंद हुआ है। TCS, ब्रोकरेज फर्म JP Morgan ने TCS को ओवरवेट में अपग्रेड कर दिया है और इसका मूल्य लक्ष्य 4,000 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया है। JP Morgan ने TCS को क्रॉस साइकिल चैंपियन कहा है, जिसके शॉर्ट टर्म में लागत टेकआउट सौदों और मिड टर्म में डिस्क्रिशनरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सौदे से फायदा होगा। रिकॉर्ड डील विन के साथ JP Morgan के विश्लेषकों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में TCS सभी बड़ी IT कंपनियों से आगे निकल जाएगी। TCS की $90 करोड़ की जनरेटिव आई पाइपलाइन काफी मजबूत है। 16 अप्रैल को BSE पर ये IT सर्विसेज स्टॉक 3,872.30 रुपए पर बंद हुआ था। एक्साइड इंडस्ट्रीज, मॉर्गन स्टेनली ने एक्साइड इंडस्ट्री पर अपना ओवरवेट कॉल बनाए रहते हुए इसका लक्ष्य मूल्य 373 रुपए से बढ़ाकर 485 रुपए कर दिया है। इस ग्लोबल ब्रोकरेज का मानना है कि एक्साइड के शेयरों में अगले 10 सालों में जोरदार ग्रोथ हो सकती है। मेड इन इंडिया EV के लिए सरकार का सपोर्ट, कंपनी को बैटरी सेल लोकलाइजेशन में लीडिंग प्लेयर बनाने में मदद कर सकता है। 16 अप्रैल को ये स्टॉक अपने 52-वीक हाई 470.55 रुपए को छूता दिखा, लेकिन इस बढ़त को बरकरार रखने में विफल रहा और BSE पर 459.40 रुपए पर बंद हुआ। वेदांता, CLSA ने वेदांता को अंडर परफॉर्म से अपग्रेड करके बाय कर दिया है और लक्ष्य मूल्य को 360 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी अपने विविधीकरण के कारण कमोडिटी अपसाइकिल का लाभ उठाने के लिए बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा तमाम सेक्टरों में क्षमता और मुनाफा बढ़ाने के लिए इसके चल रहे प्रयास भविष्य की संभावनाओं के लिए अच्छे संकेत हैं। 16 अप्रैल को BSE पर स्टॉक 378 रुपए पर बंद हुआ। इंडस टावर, जेफरीज ने इंडस टावर पर अपनी अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य बढ़ाकर 250 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। जेफरीज के सिनेरियो एनालिसिस से संकेत मिलता है कि सालाना आधार पर तेज रैली के बावजूद ये स्टॉक अभी भी 6% फ्री कैश फ्लो यील्ड पर कारोबार कर रहा है। इससे पता चलता है कि स्टॉक अपने फंडामेंटल्स की तुलना में महंगा हो सकता है। ब्रोकिंग फर्म का कहना है कि टावर रेंटल ग्रोथ में नरमी रहने की संभावना है, जिससे वैल्यूएशन में बढ़ोतरी सीमित रह सकती है। बेहतर फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन के बावजूद जेफरीज को अभी भी इस स्टॉक में मौजूदा स्तर से गिरावट की संभावना दिख रही है। इंडस टावर पहले ही अपने लक्ष्य मूल्य से आगे निकल चुका है और 16 अप्रैल को BSE पर 332.85 रुपए पर बंद हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रोकिंग हाउस जेफरीज ने बाय कॉल पर कायम रहते हुए गोदरेज प्रॉपर्टीज का लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 3,175 रुपए कर दिया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की चौथी तिमाही की प्री सेल्स 9,500 करोड़ रुपए थी, जो लिस्टेड डेवलपर्स के बीच सबसे ज्यादा थी। समय पर भूमि अधिग्रहण और हैदराबाद बाजार में कदम रखने का मतलब है कि वित्त वर्ष 2025 में हाई बेस पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज हाउस को नए प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद काफी ज्यादा मार्जिन की उम्मीद है। 16 अप्रैल को BSE पर स्टॉक 2,606.20 रुपए पर बंद हुआ था। मारुति सुजुकी, मॉर्गन स्टेनली ने मारुति सुजुकी पर अपना ओवरवेट कॉल बरकरार रखा।
लेकिन लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 14,322 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज ने कहा है कि ईवीएस में ग्लोबल मंदी मारुति की पावर ट्रेन रणनीति को वर्तमान स्थितियों से निपटने के लिए सबसे बेहतर रणनीति साबित करती है। मॉर्गन स्टेनली ग्लोबल लेवल पर इलेक्ट्रिक वाहनों के ट्रांजेक्शन में हाइब्रिड को एक आकर्षक पुल के रूप में देखता है। हालांकि भारत में अब तक हाइब्रिड को अपनाने की गति धीमी रही है, लेकिन मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि भविष्य में स्थिति में बदलाव हो सकता है। 16 अप्रैल को बीएसई पर स्टॉक 12,503.45 रुपए पर बंद हुआ।